हाय दोस्तों, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। मेरा एक बहुत ही पसंदीदा शेर है, शायद फिराक गोरखपुरी साहब का है। मजहब कोई लौटा ले और उसकी जगह दे दे तहजीब सलीके की इंसान करीने के। मीर तकी मीर ने 18वीं सदी में कहा था कि उसके फरोगे हुस्न से झमके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या हो दिया सोमनाथ का। वहीं सरशार सैलानी साहब कहते हैं, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। क्या हासिल है इस आला शायरी का? पहला शेर बताता है कि मजहबों के चश्मों से देखे जाने वाली चीजें अक्सर दोषपूर्ण ही नजर आती हैं, इसलिए बेहतर है कि चश्मा ही हटा दिया जाए। वहीं मीर साहब काबे से लेकर शिवालय तक में एक ही नूर होने की बात को एंडोर्स करते हैं। बेसिकली ये कहते हैं कि ईश्वर एक ही है। उधर सरशार सैलानी साहब मजहब और नास्तिकता से परे एक प्रैक्टिकल और तार्किक नजरिया अपनाते हैं। वह सह अस्तित्व पर जोर देते हैं और समझाते हैं कि दूसरे शख्स का वजूद कबूल ना ही जीने का बेहतरीन तरीका है। कुल मिलाकर कई सारे आला दिमाग लोग ये बात अलग अलग तरीके से कह चुके हैं कि तमाम इंसानों को एक दूसरे की धार्मिक सामाजिक आइडेंटिटी के डिफरेंसेस के साथ ही मिलजुल कर रहना चाहिए। अफसोस की बात यह कि ऐसा होता नहीं दिखता। किसी का भी विरोधी बन जाने के लिए इतना काफी साबित हो रहा है कि वो किसी और धर्म से है, मुद्दा चाहे जो हो। ये सब कहने की नौबत इसलिए आई है कि एक बार फिर किसी फिल्म की वजह से धर्म की सेहत नासाज हो गई है। अभिषेक कपूर की फिल्म केदारनाथ का ट्रेलर लॉन्च हुआ। जैसे ही कहानी का अंदाजा हुआ, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई। फिल्म एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़के की प्रेम कहानी है, जिसके बैकड्रॉप में हिंदुओं का पवित्र देवस्थान केदारनाथ और 2013 में वहां हुई ट्रेजेडी है। फिल्म कैसे होगी ये तो वक्त ही बताएगा, फिलहाल ट्रेलर को लेकर बवाल हो गया है। एक शब्द फिर से हवाओं में तैरने लग गया है, लव जिहाद। YouTube पर इस ट्रेलर के नीचे, Facebook पर, Twitter पर ऐसे कई लोग मिल जाएंगे आपको जो इसे लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली फिल्म बता रहे हैं। फंडा बिल्कुल क्लियर है, जो फिल्म से लेकर असल दुनिया तक हर जगह लागू होता है। अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से प्यार करता है तो वो लव जिहाद के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी ऑफेंड न होइए। ये सिलसिला एक तरफा ही हो ऐसा नहीं है। अगर लड़का हिंदू हो और लड़की मुस्लिम हो तो उस केस में ये काफिरों का मजहब पर हमला हो जाता है और लड़की तुरंत मजहब से खारिज करने लायक बन जाती है। जो केदारनाथ के साथ हो रहा है वैसा ही कुछ 23 साल पहले मणिरत्नम की बॉम्बे के साथ भी हो चुका है। उस वक्त भी मजहब को बुखार चढ़ाया था और कुछ दिनों के लिए पूरे मुल्क का माहौल गंदला हो गया था। केदारनाथ का मामला भी कुछ कुछ ऐसा ही है। यहाँ हम कुछ कमेंट्स आपको दिखा रहे हैं जो YouTube पर हमें ट्रेलर के नीचे मिले। हम नाम मिटा रहे हैं क्योंकि विरोध व्यक्ति का नहीं प्रवृत्ति का होना चाहिए। बहरहाल करेला नीम तब चढ़ा जब बीजेपी के एक नेता ने सेंसर बोर्ड को ही लेटर लिख डाला। अजेंद्र अजय उत्तराखंड बीजेपी की मीडिया रिलेशंस टीम के सदस्य हैं। उन्होंने CBFC चेयरमैन प्रसून जोशी को पत्र लिखकर इस फिल्म से अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। फिल्म को हिंदू समाज की आस्थाओं पर प्रहार करने वाली बताया है। कहा है कि डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने हिंदू मान मर्यादाओं, प्रतीकों और संस्कृति से खिलवाड़ किया है। आगे ये मांग की है कि फिल्म पर बैन लगा दिया जाए। यूं तो लेटर काफी लंबा है लेकिन इसका एक हिस्सा काफी दिलचस्प है। फिल्म की टैगलाइन प्यार एक तीर्थ यात्रा है से उन्हें खास दिक्कत है। उनके मुताबिक इस टैगलाइन से ये संदेश जाता है कि केदारनाथ की यात्रा करने वाले लोग वहां प्रेम प्रसंगों के लिए जाते हैं। हमें नहीं पता कि उन्हें प्रेम और कथित प्रेम प्रसंग में फर्क पता है या नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है आपको जरूर पता होगा। प्रेम एक तीर्थ यात्रा है, ये एक विचार है, कथित व्याभिचार का इश्तेहार नहीं। कबीर से लेकर रहीम तक, गुरु नानक से लेकर गांधी तक, सबने यही संदेश दिया कि प्रेम ही मानवता को तारेगा। प्रेम ही अंतिम आसरा है जो इस मुश्किल दौर में जीना सुसह्य बना देगा। ये बात अपने पॉलिटिकल एजेंडे को खाद पानी देने के इच्छुक नेता लोग नहीं समझते। धर्म के नाम पर अपनी निजी दुकानें चलाने वाले मजहबी रहनुमा भी नहीं समझते और अलग अलग सूचना माध्यमों से परोसा जा रहा जहर बिना सोचे समझे गटकने वाले हम लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं। ये ट्रेजेडी भी उतनी ही भयावह है जितनी 2013 में केदारनाथ में आई आपदा थी।
मुझे व्यक्तिगत रूप से ये हमेशा लगता आया है कि मजहबों की आपसी तनातनी पर लगाम लगाने का एक असरदार तरीका ये भी है कि इंटरकास्ट इंटर रिलीजन शादियों को प्रोत्साहन दिया जाए। जब मजहबी पहचान ही धुंधली होने लगेगी तो नफरतों का लावा कम उबलेगा, दूरियां तभी मिटेंगी जब पुल बनेंगे। रही फिल्म केदारनाथ की बात तो इसकी कथावस्तु में आपत्तिजनक कुछ नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब पर्दे पर हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानी दिखाई जा रही हो। जख्म अनवर जैसी हार्ड हिटिंग फिल्मों से लेकर वीर जारा रांझना जैसी कमर्शियल हिट्स तक बहुत कुछ दिख चुका है हिंदी सिनेमा में। इतनी हायतोबा मचाने जैसा कुछ नहीं है केदारनाथ में। ऐसी प्रेम कहानियां हमारे आसपास घटित होती ही हैं, सो फिल्म में देखने में क्या दिक्कत है। हमें नहीं लगता कि किसी भी धर्म को किसी फिल्म से कोई खतरा हो सकता है, और प्रेम से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारी तो यही कामना रहेगी कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान।